हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज मिलेट डाइट फॉर वेट लॉस का है 37th डे, यानी जो मैंने बोला था 35 डेज का चैलेंज है वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं और 2 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, यानी टोटल जो है वो 3 मंथ्स का हमारा चैलेंज हो गया है। क्योंकि ये जो 35 डेज का चैलेंज था उसमें मुझे प्रॉपर 35 डेज नहीं मिले हैं, क्योंकि मुझे बाहर जाना हुआ, शादी अटेंड करी, बीमार पड़ी, तो उसके चलते कम से कम 20 दिन ही मुझे मिले हैं। तो उतना सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला है, क्योंकि जो मिलेट डाइट किया है वो प्रॉपर किए जैसे फील नहीं हो रहा है। लेकिन हमें जो कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं। और बोलते हैं ना, रिजल्ट आए या ना आए, हमें अपने लिए एक्सरसाइज, डाइट ये प्रॉपर रखना ही है। सिर्फ चैलेंज लिया है, यानी कि चैलेंज तक ही हमें मर्यादित नहीं रहना है, यानी कि वहीं तक सीमित नहीं रहना है। हमें ये तो लॉन्ग टाइम के लिए करना ही है, मैं करने वाली हूँ, क्योंकि फिटनेस हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है कि आपका वेट कितना है, तो मुझे वो वेट बताना है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं वो शेयर करूंगी, मैंने जो वेट चेक किया है वो दिखाऊंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हम कर रहे हैं वो एक छोटा सा रिजल्ट या कुछ टाइम लिमिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम करना ही है। सिर्फ मैं ये चैलेंज ले रही हूँ अपने आप को समझाने के लिए कि अपने आप को कुछ करके मुझे दिखाना है, वो चैलेंज है। तो आप भी आपके लिए खुद के लिए ऐसे ठान लो कि नहीं, मुझे अभी 1 महीना नहीं, 2 महीना, ऐसे टाइम पीरियड फिक्स कर लो और उसमें वो चैलेंज ले लो। एक्सरसाइज रोज करनी है, डाइट प्रॉपर करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज है वो रखनी है, ये सब करना ही है अपने फिटनेस के लिए। तो मेरे जैसे लेडीज है या जेंट्स भी है, तो वो लोग अपने लिए कुछ करें, यानी कि एक्सरसाइज रोज करें। क्यों करें? तो हमें फिट रहना है। फिजिकल अगर हम फिट है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आज जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो वेट मैंने चेक किया है मैंने एक्सरसाइज करने के पहले, अभी तो मैंने वार्म अप कर लिया है, वार्म अप के पहले मैंने वेट चेक किया था, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी वो सब करके मैं टाइम और वेस्ट नहीं करूंगी। फिलहाल मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, और जो एक्सरसाइज करने वाली हूँ आप पहले देख लो मैं आज क्या करने वाली हूँ। ओके, चलो करते करते आपसे कुछ बातें भी शेयर करूंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और जिन जिन को देखना है कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, वो ये वीडियो के लास्ट में जाके चेक भी करना, इसके लिए प्रॉपर वीडियो देखना। ओके, चलो देखो आज मैंने क्या किया है। पैर में 1 kg के एंकल वेट डालिए है, और हाथ में मेरे डंबल्स है, ये मेरे 1.5 kg के डंबल्स है, एक डंबल 1.5 kg। तो आज हम जो वर्कआउट करेंगे वो कार्डियो करते करते हम वेट के साथ ही एक्सरसाइज करेंगे। चलो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने वीडियो के पहले आपको बताया कि मैं आपसे बातें करने वाली हूँ, ऐसी कुछ बातें हैं इसे लगता है आपसे भी शेयर करूँगी। जैसे बाहर शादियों में खाना हुआ, तो वहाँ जाके हम बोल नहीं सकते ना कि हम मिलेट डाइट पर है,
या मुझे ये नहीं खाना है, जहाँ जो खाना था वो खा लिया लेकिन पोर्शन पे ध्यान दिया, जैसे सलाद वगैरह था वो पहले खा लिया ताकि थाली में बाकी में सब भर के ना खाऊं, पहले सलाद लिया, सलाद भी खा लिया, फिर जो स्टीम वाली चीज़ें रहती है उसको पहले खाना है, जैसे मूंग वगैरह रखते हैं, चावल भी आजकल शादियों में रहता है तो वो ज़्यादा खाना हुआ। उसके बाद भूख जैसे बचती है उसमें मैंने थोड़े चावल ही लिए एक टाइम पे, या एक टाइम दूसरे शादी में गई तो वहाँ पे सिर्फ रोटी ही खाई, गेहूँ की रोटी थी, एक शादी में पूरी थी गेहूँ की तो वो खाई, जैसे भूखे तो नहीं रह सकते ना शादी में जाकर, तो ऐसे सब चीज़ें की है। यही बात मैं आपसे एक एक बातें शेयर करूँगी। चलो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। पैर में डिस्टेंस रखना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. भी 1 मिनट जॉगिंग। बराबर घड़ी में देखकर 1 मिनट जॉगिंग करना है। अभी जैसे शादी में खाने की तो बात हुई, और भी बात है जब हम बीमार होते हैं उस वक्त हम टैबलेट्स लेते हैं, वो तो जरूरी है, बुखार आया तो बुखार करने के लिए गोलियां खानी है, उसमें अगर एंटीबायोटिक्स या पेन किलर ऐसी चीज़ें खा लेते हैं उसमें भी वेट बढ़ता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, जो ज़रूरत है वो करना ही है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद टाइम हमारे हाथ में है, हम जो चाहे वैसे बाद में कर सकते हैं, फिर वापस जाके डाइट कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज करनी है, बुखार के दरमियान तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और नहीं करना है। 1 मिनट हो गया है, चलो अभी हाथ ऊपर और हिल्स अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. हाथ ऐसे पकड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leg change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercise change. पीछे बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercise change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1. Heels up karna hai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercise change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलो अभी 1 मिनट जॉगिंग करेंगे. घड़ी में देखकर 1 मिनट जॉगिंग करना है. जैसे बीमारियों में हम बुखार या तबीयत ठीक नहीं होती उस वक्त गोली खा लेते हैं, किसी भी टाइप की बीमारी हो उस वक्त हमारा डाइट भी प्रॉपर नहीं होता और हम दवाई भी लेते हैं. उस वक्त अगर वजन बढ़ता है तो उस चीज़ को लेके हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टाइम हमारा आगे का हमारे ही हाथ में है. तो ज़रूरी नहीं है कभी भी वेट हमारा कम ही हो. बढ़ता है बढ़ने दो. ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोच के टेंशन लेने से भी हमारा वेट और पुटाउन होता है. तो उस वक्त को वैसे ही छोड़ देना है. और जब बीमारी से हम अच्छे हो जाते हैं उस वक्त बाद में वापस हमारा रूटीन शुरू कर देना है. टेंशन लेकर कभी भी हमें अपना काम नहीं करना है. कभी भी हैप्पी रहो, रिलैक्स रहो. चलो अभी 1 मिनट कंप्लीट हुआ है. इस वक्त हाथ ऊपर करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Heart change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 10 10 में दो एक्स्ट्रा किए, कोई बात नहीं। चलो अब हम कुछ ब्रेक लेंगे पानी का, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक है, पानी लेकर वापस लेंगे। अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं और उस बीच हमें पानी कम पीना हो रहा है, सबको होता है, पानी पीने का याद नहीं रहता या प्यास नहीं लगती है, तो उसके चलते हमें क्या कर लेना है, सुबह ही एक बार कुछ भी जीरा डालो, कभी सौंफ डालो, कभी अजवाइन डालो या दालचीनी का पानी, ऐसे कोई भी एक पानी 2 या 3 लीटर बना के रखना है और गुनगुना ही हमें पूरे दिन में उसको ख़त्म करना है। अगर ऐसे बना के रखोगे तो हमें पता चल जाए कि हमें ख़त्म करना है, तो वैसे हम पानी बनाकर रख सकते हैं और जो हम पानी कम पी रहे हैं उसको करेक्शन कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमें व्हाइट स्पॉट करना है लेकिन हील्स को अप करना है। देखो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 अभी नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो अभी नेक्स्ट हिप रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 next exercise दोनों हाथ कमर पर 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आज की जो एक्सरसाइज है मैं बराबर यहीं पे फिनिश करती हूँ। ये देखकर आप वापस एक बार रिपीट करना है, मैं वीडियो बंद करके वापस एक बार ये सेम सब करने वाली हूँ, आपको भी करना है तो ही हमारा जो एक्सरसाइज का टाइम है और प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये वर्कआउट मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, लेकिन इसके बाद स्ट्रेचिंग करने वाली हूँ। और जो मैंने आपको बोला था मैं वेट आपको दिखाऊंगी, तो मैं आज मेरा वेट आपको दिखाती हूँ। सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला है, लेकिन कम भी हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ रिजल्ट नहीं आए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि प्रॉपर डाइट रखूँ, उसके लिए कितना तो रिजल्ट मुझे मिला है। अगर ऐसे ही छोड़ देती कि जाने तो जो होता है उन्हें तो पहले खा लेती हूँ, वैसे नहीं किया है, प्रॉपर ध्यान रखकर ही खाया गया है। जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे मैंने डाइट कंट्रोल किया है बाहर जाकर भी। ओके, तो चलो अभी वेट दिखाने का टाइम है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं आपको वेट बताने वाली हूँ, तो अभी टाइम आ गया है वेट बताने का। चलो देखते हैं वेट कितना है। चलो तो अभी वेट स्केल पे चढ़ते हैं। ये रहा जीरो, अब देख रहे हो जीरो पे है। अभी चलो भगवान का नाम लेकर स्केल पे चढ़ते हैं, थोड़ा तो कम हो जाएगी। ओके, नॉट बैड और नॉट गुड ऑल्सो। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। ये रहा मेरा जो वजन है वो। चलो आज आपने मेरा वेट अभी देख लिया। वैसे मैंने चेक तो वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद वेट चेक करना बराबर नहीं है, क्योंकि वापस वो कम ज्यादा हो सकता है। इसके लिए फर्स्ट मैंने वेट चेक किया, उसके बाद ही मैंने एक्सरसाइज की। अभी दिखा आपको लास्ट में रही हूँ। देखो अभी जो मैंने आपको वेट दिखाया वो मेरा 35 डेज चैलेंज का जो 77.6 से मैंने शुरुआत की थी, उसमें ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 किलो का ही फर्क आया है, क्योंकि आज मेरा वेट 75.5 है, यानी 2 किलो एग्जैक्ट 100 ग्राम ऊपर। तो ठीक है 2 किलो, मैं वैसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देनी है कि ठीक है कुछ नहीं, एटलीस्ट बड़ा तो नहीं है, 2 किलो तो सही, लेकिन कम तो हुआ है। उसी से हमें खुश रहना है, यानी मैं खुश हो रही हूँ कि चलो चैलेंज लिया था, इसके लिए वो पर्टिकुलर ध्यान मैंने दिया कि बाबा नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, गलत चीज़ें नहीं खाना है, भूखा रह के हमें वेट कम नहीं करना है, क्योंकि उसके हमें साइड इफेक्ट्स फिर भुगतने पड़ते हैं। कई लोग जो है वो भूखा रहते हैं कि वेट कम हो जाए, कम खाना खाए, एकदम ही ध्यान नहीं देते हैं, एक एक टाइम का खाना स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट कोई लोग स्किप करते हैं, कोई लोग रात का डिनर स्किप करते हैं, लेकिन उससे वेट कम नहीं होगा। होगा तो भी वो टेम्पररी पीरियड रहेगा, हम प्रॉपर खाना खाकर ही वेट अगर कम करते हैं तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके साइड इफेक्ट्स हमें कुछ भी नहीं होंगे। नहीं तो हड्डियों में प्रॉब्लम, जैसे कि हेयर लॉस होना है, ऐसे बहुत सारे है, कुछ ना कुछ हमें डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेकर ही एक्सरसाइज करनी है, भले मिलेट डाइट हो या नॉर्मल डाइट भी हो, तो सब तरीके का खाना हमारे खाने में रहना चाहिए। मैं शक्कर की बात नहीं कर रही हूँ, सब तरीके का, यानी कि सब्जियाँ पूरी होनी चाहिए, प्रोटीन के लिए दाल और ये सब होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए और कार्ब्स भी होने चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल। तो चलो आपने तो मेरा वेट देख लिया, आज 77.5 है। अभी एक चैलेंज जो है मैं और 2 महीने के लिए एक्सटेंड करूंगी, और प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट। हाँ, एक आध दिन दो दिन बोलते हैं ना, 15-20 दिन में एक दिन दो दिन चल सकता है, लेकिन जैसे मेरे भी पिछले दिन में जो मैंने ज़्यादा गड़बड़ी की है वैसे ना हो, उसका भी मैं ख्याल रखूंगी। आप भी जरूर ऐसे ट्राई करना, गड़बड़ तो सबके पास होती है, हम फैमिलीज में रहते हैं,
तो हम सबको पकड़ कर चलते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ आता है, मेरे साथ ही नहीं आप सब लोगों के साथ ही होता होगा। लेकिन उससे डीमोटिवेट नहीं होना है हमें, ये बोलते ना साथ में लेकर ही इसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। मैं कर रही हूँ, आप भी जरूर करना। चलो आज का वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।